कल बुलंदशहर पहुंचेंगी उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य राम सखी कठेरिया। जिला पंचायत सभागार में अधिकारियों के साथ मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत योजनाओं से संबंधित करेंगी समीक्षा बैठक। कल्याणकारी योजनाओं के विषय में जागरूकता शिविर का आयोजन और महिला जन सुनवाई भी करेंगी महिला आयोग की सदस्य राम सखी कठेरिया। बुलंदशहर में पुलिस ने किया अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा। असला फैक्ट्री का खुलासा कर अरनिया पुलिस ने 2 असला माफियाओं को भी किया गिरफ्तार। 3 माफिया फरार। असला फैक्ट्री से बने और अधबने 5 तमंचे, 2 राइफल, कई कारतूस और असला बनाने के औजार व कल पुर्जे भी पुलिस ने किए बरामद। एक ट्यूबवेल में चल रही थी असला फैक्ट्री। फैक्ट्री में तमंचे बनाकर बेचते थे असला माफिया। आरोपियों ने 2 दिन पूर्व दिया था गोलीकांड को अंजाम। जांच में सामने आया कि आरोपी बनाते हैं अवैध हथियार। बुलंदशहर के अरनिया थाना क्षेत्र का मामला। जिला कारागार में धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी का पर्व। 1 माह की तैयारी के बाद दुल्हन की तरह सजाया गया जिला कारागार। बंदियों द्वारा लड्डू गोपाल का पालना व श्री कृष्ण की चित्रकारी कर विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। जिला कारागार के आवासीय परिसर में स्थित मंदिर की सजावट, झांकी और भंडारे का भी आयोजन किया गया। जहांगीराबाद पुलिस ने जिला बदर अपराधी नागेंद्र को किया गिरफ्तार। अपराधी के कब्जे से 1 अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद। अपराधी नागेंद्र पर गुंडा एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में पूर्व से मुकदमा दर्ज। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र का निवासी है अपराधी नागेंद्र। जहांगीराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर जिला बदर को जेल भेज। नेशनल और स्टेट हाईवे में बन चुके बड़े बड़े गड्ढों के खिलाफ अभियान चला रहे भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह द्वारा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। उनके द्वारा एक ओवरलोड हाईवा को रोककर उसके ड्राइवर से पूछताछ की गई। किसान नेता द्वारा पूछताछ में हाईवा ड्राइवर अपना नाम छोटे बता रहा है और दावा कर रहा है कि कालू नाम के बिचौलिए के माध्यम से वो संबंधित विभाग को ओवरलोड वाहनों का महीना देता है। ड्राइवर यह भी बताता है कि इसका पैसा गाड़ी मालिक की तरफ से दिया जाता है। किसान नेता द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल किया गया ये वीडियो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय पर भी कई गंभीर सवाल खड़े करता है। बता दें कि किसान नेता द्वारा हाईवे पर हुए गड्ढों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसी के चलते आज किसान नेता द्वारा खुर्जा की पुराना जीटी रोड पर यह वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। खुर्जा में बिजली विभाग की घोर लापरवाही। गली में हुए जलभराव में जर्जर बिजली की लाइन से उतरा करंट, चपेट में आने से एक बैल की दर्दनाक मौत। प्रशासन की लापरवाही से गंदा नाला बन चुकी गली में आए दिन होते हैं हादसे। गुस्साए ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ हंगामा कर किया विरोध प्रदर्शन। ग्रामीणों का आरोप जर्जर विद्युत लाइन और जलभराव की कई बार अधिकारी और समाधान दिवस में शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं। सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर ग्रामीण। खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के गांव आपदानगर की घटना। सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के सम्मान में पुलिस लाइन में आयोजित किया गया विदाई समारोह का आयोजन। सेवानिवृत्ति होने वाले 6 पुलिस कर्मियों को पूरे सम्मान के साथ शॉल, स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र एवं उपहार प्रदान कर भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर SSP संतोष कुमार सिंह ने सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। विदाई समारोह के आयोजन के दौरान SP क्राइम कमलेश बहादुर, SP देहात हरेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे। बिजली की लाइन ठीक करते समय हादसे का शिकार हुआ लाइनमैन की आज इलाज के दौरान मौत। सुबह नोएडा के अस्पताल में इलाज के दौरान बिजली कर्मचारी ओमवीर सिंह की हुई मौत। बीती 24 तारीख में बिजली की लाइन ठीक करते समय अचानक उतरे करंट से बुरी तरह झुलस गया था लाइनमैन। कर्मचारी की मौत से परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। अहमदगढ़ बिजली फीडर पर कार्यरत था लाइनमैन ओमवीर सिंह। शव यात्रा में शामिल हुए पूर्व विधायक गुड्डू पंडित। शिकारपुर तहसील के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र का मामला। टूटी सड़क और जलभराव से परेशान ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। पिछले 5 साल से सड़क की मरम्मत या निर्माण न कराने से ग्रामीणों में रोष। लोक निर्माण विभाग पर ग्रामीणों ने लगाया लीपापोती करने का आरोप, किया विरोध प्रदर्शन। दर्जन भर गाँव को जोड़ने वाली करीब 5 किलोमीटर की सड़क जर्जर। अनूपशहर तहसील के गाँव रोरा का मामला। न्यूज डेस्क, Time24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।